आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है होशे की पुस्तक 7वां अध्याय। जब मैं इसराइल को चंगा करता हूँ तब एप्रेम का अधर्म और शोमरोन की बुराइयाँ प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है, तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा को बुराई करने से और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सब के सब व्यभिचारी हैं। वे उस तंदूर के समान हैं जिसको पकाने वाला गर्म करता है, पर जब तक आटा गूथा नहीं जाता और खमीर से फूल नहीं चुकता तब तक वह आग को नहीं उसकाता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए। उसने ठट्टा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं तब तक वे अपना मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है। वह भोर को तंदूर की धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते हैं। उनके सब राजा मारे गए हैं और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता है। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। परदेशियों ने उसका बल तोड़ डाला परंतु वह इसे नहीं जानता। उसके सिर में कहीं कहीं पके बाल हैं परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इसराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए भी वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और न उसको ढूंढा है। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्रियों की दुहाई देते और अश्शूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं तब उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसा खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यनाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन से मेरी दोहाई नहीं देते परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाखमधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं परंतु परमप्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम अपनी क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनके ठट्टों में उड़ाए जाने का यही कारण होगा।